हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल मी एंड किचन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डोमिनोज स्टाइल चीज बर्स पिज्जा की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हम इसे बिना ओवन के बनाने वाले हैं, क्योंकि हर किसी के पास ओवन नहीं रहता। इसे हम बनाने वाले हैं कढ़ाई में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चीज बर्स्ट पिज्जा बनाने से पहले हम पिज्जा का डो बना रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 3 कप मैदा, आधी कटोरी सूजी, 4 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच ईस्ट, 2 चम्मच शक्कर और स्वाद अनुसार नमक। और अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैदे में मिक्स कर देना है। तो पहले हम इसमें डाल देते हैं सूजी, और यहाँ मेरे पास एक्टिव ईस्ट है तो मैं इसे ऐसे इसमें डाल रही हूँ। और इसमें डाल देते हैं शक्कर, स्वाद अनुसार नमक और ऑयल। आप इसकी जगह बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमें इन सब चीज़ों को कर देना है अच्छे से मिक्स, और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है। तो हमने इसे अच्छे से गूथ लिया है, और अब हमें इसे एक सरफेस एरिया पे मसल मसल के सॉफ्ट करना है। तो इसके लिए पहले मैंने नीचे डाल दिया है थोड़ा सा मैदा, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। इससे पिज्ज़ा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और अब हमें इसे अच्छे से हाथों से मसल मसल कर इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है। तो हमने इसे अच्छे से मसल लिया है, और हमारा डो बहुत ही सॉफ्ट बना है। और डो को मैं उसी बाउल में रख रही हूँ, और इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, और इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि हमारा डो अच्छे से फूल जाए। तो आधा घंटा हो चुका है, और अब देख लेते हैं डो को। हमारा डो अच्छे से फूल गया है, और अब हम इसे निकाल कर वापस से थोड़ा सा मसल लेंगे। और अब मैं डो में से इसका 1/3 पार्ट निकाल रही हूँ। चीज बर्स्ट पिज्जा की 2 लेयर होती है, इसलिए हम इसकी 1 लेयर पहले ही बना लेंगे। और ये जो डो का बड़ा वाला पोर्शन है, इसे हम वापस से लोई बनाकर बाउल में रख देते हैं। और जो डो में से 1/3 पार्ट निकाला था, उसकी हमें पतली सी रोटी बेल लेनी है। हमें जितना बड़ा पिज्जा चाहिए उतना बड़ा हम इसे बेल लेंगे। तो हमने इसे बेल लिया है, और अब हम इसे तवे पर सेक लेंगे। हमें इसे रोटी के जैसे दोनों साइड से सेक लेना है। तो हमने पिज्जा की फर्स्ट लेयर को सेक लिया है, और अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे उतार लेते हैं। तो पिज्जा की फर्स्ट लेयर को मैंने प्लेट में रख लिया है, और बना लेते हैं पिज्जा। इसके लिए पिज्जा की जो बड़ी लोई है उसे हमने ले लिया है, और इसे भी हम बेल लेंगे। इसे हमें फर्स्ट लेयर की कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा बेलना है। तो फर्स्ट लेयर से एक बार इसे नाप कर देख लेते हैं। अब ये थोड़ा छोटा है, इसे हम थोड़ा सा और बेलेंगे। हम सेकेंड लेयर को बड़ा इसलिए बेल रहे हैं क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है। तो देखिए, पिज्जा की सेकेंड लेयर को मैंने फर्स्ट लेयर से थोड़ा सा बड़ा रखा है, और अब हम इसे निकाल कर एक थाली में रख देते हैं। उससे पहले मैं थाली में लगा रही हूँ थोड़ा सा घी, इससे पिज्जा आसानी से निकल जाता है। और अब हम इसके ऊपर रख देते हैं पिज्जा की सेकेंड लेयर। ये थोड़ी सी श्रिंक हो गई है, तो इसे हम थोड़ा सा फैला देते हैं, और एक फॉक की मदद से हम इसमें कर देते हैं छेद, ताकि ये जब बेक हो तो ये फूले ना।
तो हमारी पिज्जा की सेकेंड लेयर रेडी है और अब हम इसकी अंदर की फिलिंग के लिए बनाएंगे चीज सॉस। चीज सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ आधी कटोरी मेयोनीज ले लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 50 ग्राम के करीब मोजरेला चीज। और अब हमें इसे कर देना है अच्छे से मिक्स। आप चाहे तो इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मेल्ट करके यूज करूंगी। इसके लिए मैंने गैस पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके ऊपर रख दिया है चीज सॉस वाला बाउल। मोज़रेला चीज जब मेल्ट होएगा तब ये मेयोनीज में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मोज़रेला चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमारी चीज सॉस रेडी है। और अब हम इसे कर देते हैं एक साइड और उसी गैस पे हमने रख दी है एक कढ़ाई और उसके ऊपर हम ढक रहे हैं एक थाली और इसे हमें गर्म होने देना है जब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो पिज्जा की सेकेंड लेयर पे हम डाल देते हैं हमारी बनाई हुई चीज सॉस। इसे हमें सेंटर में ही डालना है, कॉर्नर्स पे नहीं डालना है और इसे अच्छे से फैला देते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह चीज स्लाइसेस या फिर चीज स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से फैला दिया है और अब हम इसके ऊपर रख देते हैं पिज्जा की फर्स्ट लेयर। और अब हमें पिज्जा की सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर से फोल्ड करके जोड़ देना है, इससे पिज्जा सॉस बाहर नहीं निकलती। और एक फॉक की मदद से हम इसमें कर रहे हैं छेद। और अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं पिज्जा सॉस और इसे हमें पूरे पिज्जा के ऊपर अच्छे से फैला देना है। तो हमने इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगा दी है और अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं मोज़रेला चीज। तो हमने पिज्जा के ऊपर मोज़रेला चीज डाल दिया है और इसकी टॉपिंग के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, प्याज और पनीर और इनको पिज्जा के ऊपर फैला देते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके ऊपर हम थोड़े सा मोज़रेला चीज और डाल रहे हैं। तो हमारा चीज बस पिज्जा बेकिंग के लिए रेडी है और अब हम इसे रख देते हैं कढ़ाई में। हम कढ़ाई में कोई भी स्टैंड नहीं रख रहे हैं क्योंकि कढ़ाई में हमारी थाली एकदम फिक्स आ जाती है। अगर आप छोटी थाली यूज कर रहे हैं तो पहले आप कढ़ाई में स्टैंड रखिए और फिर पिज्जा को बेक करिए। और मैं पिज्जा के कॉर्नर पे भी थोड़ा सा घी लगा रही हूँ ताकि ये कॉर्नर से भी अच्छे से बेक हो जाए। और अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेंगे और बीच में एक दो बार चेक कर लेंगे। तो पिज्जा को बेक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं और देखिए पिज्जा कितने अच्छे से फूल गया है। लेकिन इसके कॉर्नर पे थोड़ा सा मोज़रेला चीज कम लग रहा है तो इसके कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा चीज और डाल रही हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा चीज उतना ही टेस्टी पिज्जा। तो हमने पिज्जा के कॉर्नर्स पे चीज डाल दिया है और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए और बेक होने देंगे। तो पिज्जा को बेक होते हुए आधा घंटा हो गया है और अब हम पिज्जा को देख लेते हैं। वाओ, हमारा पिज्जा बन चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। और पिज्जा को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे हमें थोड़ा सा सावधानी से निकालना है क्योंकि पिज्जा अभी गर्म है। तो पिज्जा को हमने प्लेट में निकाल लिया है और एक पिज्जा कटर की मदद से हम इसे काट लेते हैं। तो हमारा डोमिनोज स्टाइल चीज बस पिज्जा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।